से पहले गोल्ड के रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल अमेरिकन फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोने की कीमतें 1% से अधिक बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर यानी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1.6% बढ़कर 2551 रुपए प्रति औंस यानी भारतीय रुपए में 76,530 रुपए हो गया है, जबकि भारत में सोने की कीमतें 396 रुपए की तेजी के साथ 73,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही हैं। इसके अलावा चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमतें 560 रुपए की तेजी के साथ 87,655 रुपए प्रति किलो पर चल रही हैं। वहीं इससे पहले इसकी क्लोजिंग 87,095 रुपए पर थी। दुनिया भर में हो रहे माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। ऐसे में गोल्ड पर आने वाले महीनों में दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी हिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा गोल्ड की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका की फाइनेंशियल फर्म गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका ने बढ़ते प्राइस टारगेट दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के रणनीतिकार की माने तो अगले साल तक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें 3,000 रुपए प्रति औंस तक हो सकती हैं, यानी भारत में ये कीमत 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आहट जब होती है तो सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर माना जाता है। क्या आपने भी सोने में निवेश किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।